हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के बारे में। वैसे तो दोस्तों कॉन्सेप्ट है बहुत ही बेसिक, लगभग आज की जनरेशन में ई बैंकिंग ये टर्म से ऐसा कोई भी नहीं है जो शायद अवेयर्ड ना हो, बट बहुत सारे फैक्ट अभी भी ऐसे हैं जो लोगों को पता नहीं है कि ई बैंकिंग एक्चुअली होती क्या है और इसमें वर्किंग कैसे की जाती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, कितने प्रकार से आप ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के ऊपर आज इस वीडियो में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो ई बैंकिंग के ऊपर। दोस्तों सबसे पहले हम कोशिश करते हैं ई बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कि ई बैंकिंग होता क्या है। तो बेसिकली जो ई बैंकिंग टर्म है ये लिया कहाँ से गया है, तो ई बैंकिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में वर्चुअल बैंकिंग भी कह सकते हैं। तो ये दोस्तों होता क्या है ई बैंकिंग, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे कस्टमर्स मीन्स बैंक के कस्टमर्स को अलाउ करता है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सके थ्रू द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, थ्रू द इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या कर सके, अपने जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है ऑन द ओवर द इंटरनेट वो अपने सारे ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर सके। दोस्तों जैसे कि आज कल हम मोस्टली अपने डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग के लिए हम। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, आपको जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, आपको जितने भी अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शंस मेंटेन करने के लिए आपको उस बैंक में विजिट करना पड़ता था, बट दोस्तों अभी ऐसी कोई नीड नहीं है कि आपको बैंक में विजिट करना पड़े। आप अपने घर बैठे बैठे भी क्या कर सकते हैं, आप अपने सारे ही बैंक के जो अकाउंट्स हैं उन्हें घर बैठे बैठे मैनेज कर सकते हैं। आपको अपने घर से बैंक तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ई बैंकिंग की, तो ई बैंकिंग कैसे वर्क करती है, उसकी प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों कुछ हम इनपुट डालते हैं, मीन्स हम थ्रू इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म कुछ तो भी इनपुट डालते हैं। वो हो सकता है किसी मोबाइल के थ्रू हो सकता है कोई कंप्यूटर के थ्रू हो, लैपटॉप्स के थ्रू हो, जहाँ हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और उसके जरिए हम कुछ ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। मीन्स काफ़ी सारे मीडिएटरीज होते हैं इसमें, लाइक कार्ड एसोसिएशन और भी बहुत सारी एजेंसीज होती है जो हमारे इस ई बैंकिंग की कंप्लीट प्रोसेस को मदद करती हैं। दोस्तों ई बैंकिंग ये जो वर्ड है डिफाइन किया गया है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, क्या है इस डेफिनेशन में लिखा समझने की कोशिश करते हैं। अ मेथड ऑफ बैंकिंग इन विच द कस्टमर कॉन्डक्ट ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक विया द इंटरनेट, मीन्स कि जो भी बैंकिंग सिस्टम है आज के डेट में कस्टमर जो भी ट्रांजेक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है, थ्रू द इंटरनेट कर रहा है, इंटरनेट के माध्यम से कर रहा है, ऐसी डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंगली बैंकिंग इस टर्म का ये मतलब डिराइव्ड किया गया है, ई बैंकिंग टर्म का ये मतलब डिराइव्ड किया गया है। दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग को हम दूसरे शब्दों में इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग भी कह सकते हैं या फिर वर्चुअल बैंकिंग भी कह सकते हैं। इसमें हम करते क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली हम पेमेंट करते हैं, मतलब हमने कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर रखा है तो उसका हम पेमेंट करेंगे थ्रू एनी वेबसाइट, थ्रू एनी पर्टिकुलर एप्स, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑनलाइन बैंकिंग या ई बैंकिंग। दोस्तों जल्दी से हम समझते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं ई बैंकिंग की सर्विसेज, मीन्स हम कितने अलग अलग जरिए होते हैं, कितने अलग अलग सोर्सेज होते हैं जिसमें हम ई बैंकिंग के थ्रू हम सर्विसेज ले सके या ई बैंकिंग की सर्विसेज ले सके। तो उसमें आता है दोस्तों आपका फ़ोन बैंकिंग, जैसा कि ये आज की जनरेशन मीन्स मॉडर्न जनरेशन फ़ोन बैंकिंग का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। लाइक बात कर ले, अपने फ़ोन के थ्रू आप सारा अपना बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव्ड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन, इवन तो आजकल तो सादे जो सिंपल कीपैड फ़ोन होते हैं विदाउट फीचर्स, उसमें भी आप बैंकिंग ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो मोस्टली जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन आया तब से इस चीज़ का क्रेज़, इस चीज़ का चलन और ज़्यादा बढ़ा और इतने सारे आजकल ई बैंकिंग को लेकर एप्स आ चुके हैं, जैसे कि आप बात कीजिए पेटीएम की, पे रुपी की या बहुत सारे ऐसे भीम की, जो क्या करते हैं फ़ोन बैंकिंग या
इस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों आरटीजीएस के बारे में तो आपने सुन ही रखा होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक ऐसा है जो इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफ़र करता है एक बैंक से दूसरे बैंक विदाउट एनी टेकिंग टाइम। भाई ज़्यादा समय नहीं लगता, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, तुरंत पैसे चले जाते हैं। और ये बंच्ड में वर्क नहीं करता, ये सेपरेट सेपरेट ट्रांजेक्शन्स में वर्क करता है। दोस्तों इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है, ये तो आरटीजीएस सभी को पता है, ठीक है दोस्तों। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आरटीजीएस की जो सर्विसेज है, कई बार ऐसा होता है कि आप बैंक में किसी भी समय पर चले जाते हैं और आप बोलते हैं कि हमारा आरटीजीएस करके दीजिए, तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। मॉर्निंग में 9 AM से लेकर 3 PM आफ्टरनून तक के आप आरटीजीएस की सर्विस अवेलेबल रहती है। बट काफ़ी सारे बैंक खुलते ही 11 बजे है, वो अलग बात है, और वो कहते हैं कि 2 बजे के बाद आरटीजीएस नहीं होगा, तो वो उनके कर्मचारियों की प्रॉब्लम है दोस्तों। ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप 3 बजे के पहले आरटीजीएस नहीं कर सकते, आप 3 बजे के पहले भी आरटीजीएस कर सकते हैं, ऐसा आपके पास पूरा पूरा अधिकार होता है। तो दोस्तों ये आरटीजीएस बहुत ही क्विकली पेमेंट करने के लिए हम इस ई बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इंटरनेट बैंकिंग की, तो अवेयर हो आप लोग, इंटरनेट बैंकिंग मीन्स थ्रू द इंटरनेट, ओवर द इंटरनेट हम क्या करते हैं, अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को परफॉर्म करते हैं। वो इंटरनेट हम अपने मोबाइल से यूज़ कर सकते हैं या अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से हम कनेक्ट करके कुछ भी चीज़ हम इंटरनेट पर कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग मीन्स जैसे कि बहुत सारे बैंक हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो सारे ही जो ब्रांचेस है सारे ही नेटवर्क को कलेक्ट किया गया है और पर्टिकुलर एक जगह से, एक पर्टिकुलर सेंटर लोकेशन से उस सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल्ड किया जाता है, उसे कहा जाता है कोर बैंकिंग। मीन्स एक पर्टिकुलर जगह से आप सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ को मैनेज कर पा रहे हो। जैसे कि दोस्तों कोर बैंकिंग अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, तो आज की डेट में हर एक बैंक के पास, इवन दो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के पास भी आपकी सारी फाइनेंशियल सारे अकाउंट्स का डाटा अवेलेबल होता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ दोस्तों? तो ऐसा पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ द कोर बैंकिंग, कोर बैंकिंग की वजह से ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें EFT की, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो अगेन ये सिमिलर वर्क करता है आरटीजीएस जैसा ही। क्विकली जो पेमेंट है उन्हें ट्रांसफ़र करने के लिए हम अपने, हो सकता है मोबाइल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र करें, हो सकता है कंप्यूटर्स के थ्रू हम करें, तो यहाँ पर बेसिकली चेक या कैश नहीं दिया जाएगा, आपका डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डेबिट कार्ड के, जब सभी जानते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है, बेसिकली एनी टाइम आप इससे मनी कहीं से भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड इज़ अ प्लास्टिक मनी, एक प्लास्टिक मनी के तौर पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है ये। और दोस्तों जब भी आप कोई पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ बहुत वाइटल रोल प्ले करता है डेबिट कार्ड। और दोस्तों इसका जनरली यूज़ किया जाता है पेमेंट्स करने के लिए या कैश विड्रॉल करने के लिए। तो दोस्तों अगर बात आती है कैश विड्रॉल करने की, तो थ्रू द डेबिट कार्ड हम ATM मशीन का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, जितनी हमारे अकाउंट्स में बैलेंस अवेलेबल है उतना हम कैश क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। ATM की फैसिलिटी 24 hours ओपन रहती है, इसलिए इसे एक जनरल लेमन लैंग्वेज में एक और नाम दिया गया है, ऑल टाइम मनी, किसी भी समय पैसे अवेलेबल रहते हैं दोस्तों। प्लीज़ शिकायत ना कीजिएगा कि हमारे ATM में तो पैसे ही नहीं रहते, तो वो चीज़ अलग है। कैश अगर उसमें इम्बर्स नहीं की गई है तो शायद हो सकता है इशू, बट नॉर्मली जो ATM की फैसिलिटी है वो 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, और बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। और दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इंश्योरेंस फंड ट्रांसफ़र NEFT, तो दोस्तों ये जो NFT है ये एक ऐसा सिस्टम है जो इलेक्ट्रॉनिकली फंड आपका फ्रॉम ओवर अक्रॉस द कंट्री ट्रांसफ़र कर रहा है। और इसका जो टाइमिंग है दोस्तों, जो सेटलमेंट है NFT का, तो आप एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने बार, मीन्स कौन से टाइम पे NFT कर सकते हैं, तो 6 times इन अ पर्टिकुलर डे। और उसका समय भी है दोस्तों 9:30, 10:30, 12:00, 1:00, 3:00, 4:00, इन समय के बीच में आप क्या कर सकते हैं, NFT कर सकते हैं। और अगर आप NFT अपने घर बैठे, मीन्स अपने मोबाइल
या अपने कंप्यूटर्स के थ्रू थ्रू वाया द इंटरनेट अगर आप कर रहे हैं तो फिर उसके लिए कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, आप कभी भी NFT कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने कुछ आज इस वीडियो में बात की, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है और कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और अभी तक के आप लोगों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हम आगे के पार्ट में पढ़ने वाले हैं इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों। तो इस वीडियो को अगर आपको रियली पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, बिकॉज आपके लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करते हैं और इसी तरीके से काम करने के लिए मुझे और ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।